बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद है मीज़ान बैंक के हेड ऑफिस में और हमारे साथ मुनव्वर रिज़वी साहब, रियाज साहब, खालिद जमान साहब मौजूद है और हम एहलियाने डिस्ट्रिक्ट के माड़ी की जानिब से और मैं वज़ीर आला सिंध मोहतरम मुराद अली शाह साहब की जानिब से, चूँकि मैं उनका स्पेशल असिस्टेंट हूँ फॉर डिस्ट्रिक्ट के माड़ी, उनकी जानिब से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल मीरानी साहब, अयाज बलोच साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से और अहले मोहल्ला की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करते कि इन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है हमारे शेरशाह गुलबई की आवाम के लिए फ़ुटबॉल स्टेडियम बनाने का और साथ साथ में स्कूल की जो रेनोवेशन है, स्कूल की जो देखभाल है वो करने का इन्होंने अंदिया किया और इन्होंने आज हमें एक दरख्वास्त दी है, लेटर दिया है। तो इंशाल्लाह हमारे एडमिनिस्ट्रेटर केमाड़ी अशफाक मीरानी साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब इनको बहुत जल्दी लेटर दे देंगे और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह गुलबई में फुटबॉल स्टेडियम की तामीर शुरू हो जाएगी। मैं एहलियाने केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी शेरशाह की जानिब से एक मरतबा फिर रिज़वी साहब का, रियाज साहब का, खालिद जमान साहब का और मीज़ान बैंक का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। वज़ीर आला सिंध के मुशीर ख़ास मोहम्मद आसिफ ख़ान ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मीरानी और म्यूनसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किमाड़ी जनाब अयाज हमीदुल्ला बलोच के हमराह साइट कराची में वाकया मैज़ान बैंक के हेड ऑफिस का दौरा किया। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर मैज़ान बैंक सैयद मुनव्वर रिज़वी और दीगर अफसरान के साथ एक तवील नशिस्त हुई जिसमें मैज़ान बैंक ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो गुलबाई में के ग्राउंड और गुलबाई गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के हवाले से इंतज़ामिया से तआमुन करना चाहते हैं। उन्होंने करीबी मकीन फुटबॉल के शौकीन अफराद गुलबाई शेरशाह के लिए गुलबाई स्टेडियम की तामीर करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध के मुशीर ने और दीगर अफसरान ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा यह अच्छा शगुन है और इस मौके पर यह तय किया गया कि मीज़ान बैंक की मदद से इस स्टेडियम की तामीर की जाएगी और सरकारी स्कूल है इसकी हालत इज़ार को भी बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इस अमल से मुकामी आबादी के अलावा कराची के दीगर इलाके के अवाम भी इस्तफादा हासिल कर सकेंगे और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से अवाम को बेहतरीन सहूलियात मैसर आ सकेंगी। इस मौके पर मुकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का भी अहम किरदार सामने आया और उनकी कोशिशों को भी सराहा गया और इस उम्मीद का इजहार किया गया कि इंशाल्लाह इस स्कूल और इस स्टेडियम की तामीर में मीज़ान बैंक के तआमुन से अवामुन्नास को बहुत फ़ायदा हासिल होगा।